स्टूडेंट क्लास फेथ हिंदी भाषा वाणी चैप्टर थ्री अरुणाचल प्रदेश हिंदी भाषा पार्ट तीन वाणी आपकी पाठ्य पुस्तक से पार्ट तीन अरुणाचल प्रदेश आज पढ़ाने जा रही हूँ बहुत पुराने जमाने की बात है एक प्रदेश में लोग गुफाओं में रहते थे सबसे पहले किंड लालिम और किंजा लाली दम ने अपने लिए घर बनाने का निश्चय किया परंतु उन्हें घर बनाना तो आता ही न था उन दोनों ने जंगली जानवरों से सलाह लेने की सोची सबसे पहले उन्हें हाथी मिला हाथी ने उनसे उनकी बात सुनकर कहा मकान बनाने के लिए मेरे टांगों के बराबर मजबूत खम्बे बनाओ फिर क्या करें दोनों ने पूछा तो ये कहानी जो है अरुणाचल प्रदेश की कहानी है कि दो लोग थे किंड लालिम और किंजा लाली दोनों ने घर बनाने का निश्चय किया और जानवरों से पूछताछ की सबसे पहले उन्होंने हाथी से पूछा तो हाथी ने कहा मकान बनाने के लिए मेरी टांगों के बराबर मजबूत खम्बे लगाओ क्योंकि खम्भे जो हाथी की टांगे होती है, बहुत मजबूत होती हैं तो दोनों ने कहा फिर क्या करें तब हाथी ने कहा बस मैं इतना ही जानता हूं वे दोनों जंगल में और आगे चले फिर उन्हें एक सांप मिला सांप ने उन दोनों की और हाथी की बात सुनकर कहा हाथी की टांगों के बराबर मजबूत खम्भों को जमीन पर चारों कोनों पर गाड़ दो तब सांप ने भी बस यही जंगल में उन्हें सांप मिला और उसने भी ये कहा जो हाथी की टांगों के बराबर मजबूत खम्भे चारों मजबूत खम्भों को जमीन पर चारों कोनों में गाड़ दो और मेरी लंबाई के बराबर की बल्लियों को उनके ऊपर जमा कर दो सांप जितना लंबा था उसने कहा मेरी लंबाई के बराबर बल्लियां ले आओ और तो और उनको चारों कोनों पे लगा दो फिर क्या करें उन दोनों ने पूछा बस मैं इतना ही जानता हूँ गया गया। एक भैंस मिली अब आगे जब चले तो उन्हें एक भैंस मिल गई उस भैंस के पास एक मरी हुई भैंस की हड्डियों का ढांचा पड़ा था उन दोनों ने उसे मकान की बनाने की बात कही और खाती व सांप की सलाह बता दी भैंस ने हड्डियों के ढांचों की ओर इशारा करते हुए उससे कहा कि जैसे ये हड्डियों का ढांचा है ऐसे ही अपने मकान की छत बनाओ मतलब यदि कोई झोपड़ी भी बनाता है तो उसके ऊपर जाल छाएगा तभी तो वो बना सकता है तो उन्होंने कहा इस हड्डियों को इस मकान की छत बनाओ इसके बाद क्या करना होगा दोनों बोले भैंस ने उत्तर दिया मैं बस इतना ही जानती हूँ और वे दोनों फिर वहां से चल पड़े मछली के पास पहुंचे उन्होंने सारी बातें सुनाई सुनकर मछली बोली ध्यान से मेरी पीठ की बनावट को देखो मछली की जो बनावट होती है ऊपर से अलग तरीके की होती है बहुत सी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी पत्तियां जमा तो बहुत सी पत्तियां जमा करो और ढांचे के ऊपर पत्तियों को बिछा दो पत्तियों को इस होशियारी से बिछाना कि पानी अंदर न जा सके तो इस तरीके से उन्होंने मछली ने बता दिया कि, कि छत को इस तरह से पत्तियां को मेरी पीठ के हिसाब से जमा कर दो गुफा में आकर किंडलाम और किंजा लाली डम ने वैसे ही किया जैसे सलाह जानवरों ने दी थी इस तरह सबसे पहले उन दोनों का मकान बन गया और वे सुख से रहने लगे जानते हो यह लोक कथा कौन से प्रदेश की है ये जो अभी कहानी हमने शुरू की है ये किस प्रदेश की है यह लोक कथा है अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे देश के जिस हिस्से में हर रोज सुबह सूरज की पहली किरण पड़ती है वह अरुणाचल प्रदेश है हमारे देश में जब सूरज निकलता है तो सबसे पहली किरण जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है वहां ही दिखाई देती है इसलिए इसका यह नाम बिल्कुल सही है अरुण सूरज का सार्थी है और अचल का अर्थ होता है पहाड़ एक बात और यहाँ के लोग सूरज और चांद की पूजा करते हैं इसलिए भी इस प्रदेश का नाम अरुणाचल सही है अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है यहाँ दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हैं। ऊंचे पहाड़ों पर सदा बर्फ जमी रहती है क्योंकि तो यहाँ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे तो उन पर क्या होता है हमेशा सदा बर्फ़ जमी रहती है इन पहाड़ों के बीच में गहरी गहरी घाटियाँ हैं जिनमें कल कल छल छल करती नदियाँ बहती हैं यहाँ के लोगों को नदियों से बहुत प्यार होता है तभी उन्होंने अपने जिलों के नाम नदियों के नाम पर रखे हैं यहाँ पर जो, जो नदियाँ बहती हैं तो उन नदियों के नाम के नाम ना, जगह जो जिलों के नाम हैं उनके नदियों के नाम पर ही रखे हैं वहाँ के लोगों ने जैसे कामेंग सुबनसिरी सियांग लोहित और तिरप अरुणाचल के मुख्य जिले हैं अरुणाचल में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सियांग और दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में खूब बारिश होती है अतः यहाँ खूब घने जंगल हैं। जंगलों में साल और बांस के पेड़ बहुत हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ों पर शंकुधारी पेड़ शंकु मतलब नुकीले जैसे होता है जैसे चीड़ और देवदार उगते हैं अरुणाचल प्रदेश की फूलों की घाटियां भी देखने लायक हैं वहां पर अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों पर सुंदर फूलों की घाटियां हैं इनमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में हाथी शेर तेंदुआ हिरन भालू और तरह तरह के बंदर रहते हैं पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं नदियों में तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हैं। यहाँ के लोग गोरे जिट्टे हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त होते हैं इस प्रदेश में कई जनजातियां रहती हैं। इनकी अलग अलग बोलियां रीति रिवाज और रहन सहन थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक समान है अतः जो वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही सुंदर है देखने लायक है जंगली जानवर है रंग बिरंगे पक्षी हैं पेड़ों पर नदियां कल कल बहती हैं इनमें रंग बिरंगी मछलियां हैं लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के जनजातियां तरह तरह की बोलियां बोलती हैं रीति रिवाज रहन सहन सब कुछ थोड़े बहुत अंतर के साथ एक बग लगभग समान है जो बहुत अच्छा लगता है अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग खेती करते हैं यहाँ के अधिकतर लोगों की खेती स्थानांतरिक खेती होती है जिसे यहाँ की बोली में झूम कहते हैं लोग पहले पेड़ पौधों को काटते हैं उन्हें जलाते हैं उनकी राख को मिट्टी में मिलाते हैं तथा फिर खोद खोद कर बीज बोते हैं इसमें वे ना खाद देते हैं न पानी देते हैं फसल के पकने पर उसे काट लेते हैं इस तरह से यहाँ पर जो लोग खेती करते हैं उस खेती को यहाँ पर जो लोगों की जो खेती है स्थानांतरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतर करते रहते हैं उसका और बिने लकड़ियाँ पेड़ पौधों की काट के जलाते हैं उसकी राख को मिट्टी में मिला देते हैं फिर खोद खोद कर बीज बो देते हैं यहाँ की बोली जिसे झूम कहते हैं ना और मट्टी में फिर ना खाद देते हैं ना पानी और फसल पकने पर से काट लेते हैं दो तीन साल में जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो ये लोग नई जगह जाकर फिर नए ढंग से शुरुआत करते हैं जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था स्थानांतरित खेती मतलब कुछ दिन एक जगह पर खेती करने के बाद वहां की जब उपजाऊ जमीन खत्म हो जाती है तब ये क्या करते हैं दूसरी जगह पर जा खेती करने लगते हैं इस तरह की खेती से जंगलों का नाश होता है क्योंकि बार बार लकड़ियां काटते हैं और जंगल में खेत बनाते हैं और फिर मिट्टी कटकर बह जाती है अब कोशिश हो रही है कि खेती पक्की तरह से हमेशा के लिए बनाई जाए अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसल धान है यहाँ पर धान की फसल पैदा होती है धान की रोपाई के साथ साथ ये लोग खेत में छोटी छोटी मछलियां छोड़ देते हैं क्योंकि धान की जो फसल होती है वो हमेशा पानी में रहती है पानी में होता है धान तो पानी में जब रहता है तो उसमें छोटी छोटी मछलियां छोड़ देते हैं और पौधों के साथ साथ मछलियां भी उसी पानी में रहकर बड़ी हो जाती हैं धान के अलावा दूसरे अनाज और फल सब्जियां इस देश में खूब उगाई जाती हैं खेतों में ज्यादातर काम औरतें लड़कियां और बच्चे करते हैं यहाँ लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का महत्व अधिक है विवाह के लिए लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं लड़के वाले ही लड़की वालों को भेंट वो उपहार आदि देते हैं यहाँ वे माता पिता खुशकिस्मत समझे जाते हैं जिनकी लड़कियां ज्यादा होती हैं क्योंकि लड़कियां यहाँ पर ज्यादा काम करती हैं इसलिए वो खुशकिस्मत इसलिए है कि लड़कियां पैदा हो गई तो मतलब वहां पर वो काम करेंगी शादी विवाह त्योहारों पर यहाँ के लोग खूब नाचते गाते हैं अरुणाचल प्रदेश की बोली में खेत से काम करके अरुणाचली औरतें जब घर लौटती हैं तो पीठ पर टोकरी में बैठे बच्चे को लोरी गाकर सुनाती है इतना सुंदर अरुणाचल प्रदेश इसके बारे में अभी आपको बताया मैंने अरुणाचल प्रदेश के जनजीवन तथा भौतिक जीवन की बहुत ही सुंदर झलक हमको यहाँ पर मिली